वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराधियों व अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली थाने की पुलिस ने मोबाइल छिनैती करने वाले रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के रहने वाले 21 वर्षीय अविनाश निषाद व विकास को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के खिलाफ पूर्व में भी राजघाट व कोतवाली थाना में मुकदमा दर्ज है। ये ले लीजिए, इसको बांट दीजिए ना। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, 9/2021 को एक मोबाइल जो है स्नैचिंग की घटना हुई थी, उसी को वर्कआउट किया गया है। उसी क्रम में दो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, अविनाश निषाद पुत्र संपत निषाद, ये रामगढ़ताल के निवासी हैं, और विकास पुत्र जयलाल निषाद हैं, ये फलमंडी के निवासी हैं। दोनों की उम्र लगभग 21 वर्ष है और इनको इनके पास से एक अदद आसमानी ब्लू मल्टीमीडिया मोबाइल रेडमी बरामद किया गया है। हम गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसका इनका आपराधिक इतिहास है जो अविनाश है, इन पर एक और मुकदमा लिखा गया 46/21 147 राजघाट थाने पर मुकदमा लिखा गया इनका, और जो विकास है इसका ये पहला अपराध है। इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। हाँ, इसमें दो ही लोग शामिल थे, ये लोग मोबाइल स्नैच किए थे और उसको बेचे थे। IMA वगैरह रन किया गया था इसका, उसके द्वारा पता किया गया कि कहाँ पे चल रहा है सिम, और जिनको इन्होंने मोबाइल बेचा था उनसे इनसे ट्रेस करके पता किया गया, तो पता चला कि इन्होंने घटना की थी। और CDR एनालिसिस के हिसाब से जो हम लोग इसको वर्कआउट किए हैं और इनको जेल भेजा जा रहा है। अभी वक्त है।